बिस्मिल्लाह के ऊपर गई दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं दुनिया भर में बहुत सारे स्टेजेस पे जाता हूँ, बड़े बड़े बैकड्रॉप्स लगे होते हैं, एक एक वक्त में हजारों का मजमू होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं इंटरनेशनल कंपनीज के, पीछे किसी तरह से मेरी तस्वीरें लगी होती हैं, मगर जो खुशी और सादत मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ, इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या काइम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देख के इस इमाम बारगाह में जब मेरे कदम रखा, जो दिल के अंदर इत्मीनान हुआ, जो सुकून महसूस हुआ, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे पता है ये इमाम बारगाह है, और इस वजह से इस मुकाम की जो इसका जो तकद्दस है उसका मुझे बहुत अच्छी तरह से इदराक है, इसलिए मैं बहुत मुख्तलिफ महसूस कर रहा हूँ। मैं हर रोज कहीं ना कहीं खड़ा होता हूँ, हर रोज कहीं ना कहीं लेक्चर दे रहा हूँ। अभी कल मैं सर्विस ग्रुप का आपने नाम सुना है, जिनके आप जूते इस्तेमाल करते हैं, जिनके टायर्स आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी सारी टॉप लीडरशिप के साथ मैं कल एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा था, मगर जितनी जिम्मेदारी इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ अपने कदों के ऊपर इस मुकाम पे खड़े होने की वजह से, बिकॉज ये वो जगह जहाँ पे बैठ के हम मजलिस सुनते हैं। वो 50 मिनट जो हमें इकट्ठे होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, खासतौर पे इस भरोसे के ऊपर कि जिस बारगाह में हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो आता है जब वो वापस जाता है तो वो पहले वाला नहीं होता। यू एग्री विद मी? जो आता है वो जाएगा, वो पहले वाला नहीं। बिल्कुल। और ऊपर से हमने जो टॉपिक रखा है वो है, कौन बताएगा टॉपिक? सर उठान, जिसने मुझे सही बताया आज के प्रोग्राम का टॉपिक, उसको मैं अपनी ये किताब गिफ्ट करने वाला हूँ। जी क्या नाम? सर उठा के जी। दिस वन इज़ ही। आपको नजर आ गया होगा कि मैं बहुत सारी किताबें यहाँ पे लाया हूँ, और आपको जानकर खुशी होगी ये किताबें मैं बेचने के लिए नहीं लाया। ये सारी किताबें जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ नहीं होगी, ये आप में से उन लोगों के पास होगी जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। ये वन वे लेक्चर नहीं होगा कि मैं आगे हूं, मैं बोलता जाऊंगा आप चुप करके सुनते जाएंगे, हम मिलके तरीका ढूंढेंगे, वो राज दरियाफ्त करेंगे कि कोई कौम हो, कोई इदारा हो, कोई खानदान हो, कोई मुल्क हो, कोई कंपनी हो, उसने सर उठा के कैसे जीते। तो सर उठा के जीते, मैं सिर्फ और सिर्फ सर झुका के जीता था। सो जो लोग मुझे जानते उनको पता है कि मैं कैसे खानदान में पैदा हुआ, जो गुरबत की लकीर से भी बहुत नीचे जिंदगी गुजार रहा था। हमारे घर में सबसे बड़ा मसला ये होता था कि आज खाना क्या। मेरे माँ बाप बेइंतहा गरीब थे और मैं उनका 8वां बच्चा था। सो जिस घर में 8 बच्चे होते हैं और गुरबत होती है, वहाँ पे सर उठ नहीं रहा होता। सो आप जो मुश्किल सोच सकते हैं किसी शख्स की जिंदगी में होती है, जिस्मानी मुश्किल, पैसों की मुश्किल, सेहत की मुश्किल, बीमारी की मुश्किल, तकलीफों की मुश्किल, हर तरह की मुश्किल, वैसे अल्लाह ताला ने मुझे गुजारा। लेकिन इस सब के बावजूद ये उसका खास कर्म है कि जहां जहां से मैं गुजरा उसके बावजूद आज उसने मुझे ऐसी जगह पर लाके खड़ा किया जहां पर खड़े होने का कभी मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। तो वो जो सर मेरा झुका हुआ था वो उसने उठा दिया। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं दुनिया भर में जितने लोग हैं, चूंकि वो पैदा ही इसलिए करता है कि सर लोग उठा के जिए, मगर हम सर झुका के जीते रहते झुक करके, तो मैंने सोचा कि मैं इस मिशन को आगे फैलाऊंगा और हर जगह ये बताऊंगा कि सर उठा के कैसे जिया जाता है। पहला क्यों, सब बोलेंगे तो मैं छोड़ूंगा। क्यों? दूसरा क्यों नहीं? क्यों नहीं? और फिर चौथा अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? अगर आपस के इख्तलाफ भुला के एक दूसरे को गले लगा